सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल चटानी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे राशियों की कि राशिफल क्या होता है। देखिए, खगोल शास्त्र में सूर्य पथ में स्थित तारामंडल के समूह को हम राशि कहते हैं। इस राशि चक्र को 12 बराबर भागों में बांटा गया है। इन भागों को हम राशि के रूप में जानते हैं। प्रत्येक राशि हमारी एक चिन्ह के साथ जुड़ी हुई है। हमारी 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, करक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। हिंदू संस्कृति में नाम का पहला अक्षर जन्म के समय राशि या नक्षत्र के अनुसार होता है, इसलिए अधिकांश लोगों का नाम सीधे राशि से जुड़ा होता है। अगर आपका जन्म नाम राशि और नक्षत्र से नहीं लिया गया तो आप अपने नाम के अनुसार भी अपनी राशि चुन सकते हैं। यह हम आपको स्क्रीन में थोड़ी देर में बताएंगे। अभी सामान्यतः लोग राशियों को लेकर बड़े पजल रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं कि हमारी राशि कौन सी है, हमारे नाम की राशि है कि हमारे चंद्रमा की राशि है कि हमारे सूर्य की राशि है, आखिर राशि किसको माने हम। देखिये, वैदिक ज्योतिष में चंद्र राशि को ही राशि के नाम से संबोधित किया जाता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है वही राशि चंद्रमा राशि कहलाती है और वही जन्म राशि कहलाती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य राशि से अधिक महत्ता चंद्रमा राशि को दी गई है, इसलिए वैदिक ज्योतिष जो है वह चंद्रमा राशि पर ही आधारित होती है। लेकिन जिसका चंद्रमा राशि नहीं है, कुंडली नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि हमारी हम कब पैदा हुए थे, कुंडली नहीं है, तो वो अपने प्रसिद्ध नाम जो उनका है उससे भी राशि देख सकते हैं। और नंबर 3 पे आती है सूर्य की राशि। यदि मान लो हम सूर्य की राशि से देखना चाहते हैं तो उससे भी देख सकते हैं। इसको हम यूं कह सकते हैं कि 70% तो हमने अपने चंद्रमा राशि से इसका रिजल्ट मिलेगा, 20% हमें प्रसिद्ध नाम से जो है उसका फल मिलेगा और 10% हमें सूर्य राशि से फल मिलेगा। तो इसका मतलब 100% हो गया। तो आप इन 3 राशियों को एस क्रम से देख सकते हैं। सबसे पहले चंद्रमा राशि 70% हमारे को फल देगी। नंबर 2 पे रहेगी प्रसिद्ध नाम, क्योंकि प्रसिद्ध नाम भी है, वही नाम की फाइल हमारे को चलती है तो उसका फल भी हमें मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। 70 और 20 90 और 10% सूर्य की राशि को आप ले लें तो आप इस प्रकार राशि अपनी देख सकते हैं। हम आने वाले इसमें अभी आपको स्क्रीन में बताएंगे, ये आप देख रहे हैं साथ में, कि आपका किस नाम से, किस अक्षर से नाम शुरू होता है। जिस अक्षर से नाम शुरू होता है ये आपकी राशि है। आप इसको देखते रहें और अपनी राशि को ढूंढें। आज हम ये राशि का हर माह आपको एक राशि का हर माह 12 राशियों का विवरण आपको देंगे। जैसे आज अगस्त माह है तो अगस्त माह का विवरण हम आपको अभी थोड़ी देर में ही देंगे। सभी को नमस्कार। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लें, धन्यवाद। आइए अब धनु राशि का फल बताते हैं अगस्त मास में। स्वास्थ्य के लिहाज से आप इस महीने थोड़े कमजोर पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान करेंगी, लेकिन आप शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस करेंगे और आपका मानसिक तनाव भी काफी बड़ा हुआ होगा। दूसरे भाव में बैठे शनि और अष्टम भाव में बैठे सूर्य का आमना सामना होने के कारण आपकी मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी और इस कारण आप चिंता की स्थिति में रहेंगे, जिससे मानसिक क्षमता का ह्रास होगा। इसके अतिरिक्त सप्तम भाव और आपकी राशि पर विभिन्न ग्रहों का प्रभाव होने से आप विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे रह जा सकते हैं। अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन की लालसा में अधिक भोजन करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। संतुलित और फाइबर युक्त भोजन करें तथा भोजन में दूध के पदार्थों की मात्रा अधिक रखें। आपके करियर की बात की जाए तो सप्तम भाव में बैठे शुक्र और बुध और राहु के साथ मिलकर आपको कार्य क्षेत्र में काफी ऊपर ले जाएंगे और आपको बिजनेस में जबरदस्त लाभ मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, आपका व्यापार गति पकड़ेगा और जो समस्याएं बिजनेस में चलती आ रही थी वे सभी दूर हो जाएंगी, जिनकी वजह से आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। बृहस्पति की कृपा दृष्टि भी आपको आगे बढ़ने का काम करेगी। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध रखने का फल मिलेगा और उनकी सहायता की वजह से आपके पद और प्रतिष्ठा में अच्छे सुधार की उम्मीद आपको करनी चाहिए। महीने के मध्य में 16 तारीख के बाद की स्थिति आपके लिए और भी बेहतर रहेगी।
हालांकि उस दौरान आपका को ट्रांसफर होने की संभावना भी बन सकती है। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात करते हैं। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो आपका निजी जीवन आपके प्रेम जीवन पर कुछ असर डाल सकता है, क्योंकि आप अपने आप में इतने बिजी रहेंगे और अनेक प्रकार के ख्यालों में खोए रहेंगे कि आप अपने प्रियतम की बातों का ढंग से ध्यान भी नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से वे आपसे नाराज हो सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले उन्हें मनाने का प्रयास करें और उनके साथ बैठकर बात करें। ध्यान रखें, जब आप उनके साथ हों तो केवल उन्हीं की बात करें, इधर उधर के बारे में बात कर अपना और उनका समय व्यर्थ ना करें। इसके अतिरिक्त आपको प्यार में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचना चाहिए। किसी भी काम को करने की जिद पकड़ लेना आपको परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि इससे परेशान होकर आपका प्रियतम आपसे दूर जा सकता है। इसलिए सावधानी रखें और धैर्य रखते हुए मैच्योरिटी का परिचय दें, तभी आपकी लव लाइफ ठीक चलेगी। महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां बेहतर होंगी, साथ में समय बिताने के अवसर भी प्राप्त होंगे। यदि आप विवाहित हैं तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है। आपके रिश्ते में प्रेम की भावना बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति आकर्षण में भी वृद्धि होगी, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया तरीके से चलेगा। बीच बीच में हल्की फुल्की कहासुनी होने की संभावना है। घर वालों के हस्तक्षेप से कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आपका प्यार सभी समस्याओं पर भारी पड़ेगा और दाम्पत्य जीवन बेहतर तरीके से चलेगा। जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उन्हें भी शादी की शुभकामनाएं मिल सकती हैं, अर्थात उनका जल्द ही विवाह के बनने में सहयोग बनते हैं। धनु राशि के जातकों को अत्यधिक वसा युक्त भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान उन्हें मोटापे की समस्या से जूझना पड़ सकता है तथा शुक्र और बृहस्पति की एक दूसरे पर दृष्टि होने के कारण और दोनों ही ग्रह पीड़ित होने के कारण मधुमेह रोग होने की संभावना हो सकती है। जिन लोगों को पहले से ही ये रोग है, उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आप इस दौरान कोई प्रॉपर्टी खरीदने में सफल हो सकते हैं और आपके लिए भविष्य में काफी मजबूत संपत्ति बनेगी। महीने का उत्तरार्ध आपका पक्ष में रहेगा। आर्थिक नजरिए पर देखने पर पता चलता है कि ये महीना आपके लिए काफी सामान्य रहेगा। जैसी स्थिति चलती आ रही है, लगभग वैसी ही स्थिति रहेगी। हालांकि मंगल का गोचर जब महीने के उत्तरार्ध में आपके पंचम में होगा, तो वहां से मंगल आपके लिए कुछ अनुकूल परिणाम लेकर आएगा और उसके बाद सूर्य का गोचर महीने के उत्तरार्ध में पंचम भाव में होगा, तब आपको विशेष तौर पर आर्थिक चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। ये दोनों ही ग्रह आपकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आर्थिक तौर पर आप मजबूत भी बनेंगे। सरकारी क्षेत्र के लोगों को या सरकारी क्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करने वाले लोगों को जबरदस्त परिणाम मिलने की संभावना है, जो काफी लंबे से अटकी हुई है। इसके अलावा आपका गया पैसा भी काफी जद्दोजहद के बाद इस दौरान आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी हद तक बेहतर हो जाएगी। इधर शनि आपके दूसरे भाव में बैठकर स्थायी आमदनी देने की योजना बना रहे हैं, बस जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए उसे हाथ से निकलने ना दें। आपके पारिवारिक जीवन पर बात करें तो ये महीना इस दौरान आपको ध्यान पूर्वक रहने की सलाह दे रहा है, क्योंकि चौथे भाव में मंगल बैठा है, वहीं द्वितीय भाव में शनि स्थित है। दोनों ही ग्रह एक दूसरे के शत्रु होने के कारण परिवार और कुटुंब की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं रहेगी, लिहाजा इस मोर्चे पर आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। घर की शांति को बनाए रखने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी। लेकिन ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महीने का उत्तरार्ध आपका बेहतर परिणाम लेकर आएगा। आपके भाई बहन भी आपके सहयोगी बनेंगे और हर तरह की समस्या को दूर करने में आपकी सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त सूर्य और मंगल का गोचर बदलने से काफी हद तक स्थितियों में सुधार होगा तथा पिताजी से आपको अपने संबंधों के बारे में थोड़ा ध्यान पूर्वक सोचना होगा, क्योंकि उनसे संबंध बिगड़ते हैं तो आपको बुरा भी लगेगा और आपका नुकसान भी होगा तथा रिश्ते में टूटन आ सकती है। ऐसे में परिवार को जोड़े रखने के लिए आप निजी स्वाभिमान को बनाए रखते हुए अभिमान का त्याग करें और पिताजी के साथ भी संबंध बेहतर बनाने का प्रयास करें। ये था धनु राशि का अगस्त माह में विवेचन। इसके लिए इसका मतलब यही है कि जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किए हैं, उसका जो हमें फल मिलने वाला है, उसमें हम इस ज्योतिष के द्वारा हम सचेत करते हैं कि आपने करना क्या है। जो आपने इस माह सचेत रहकर जो बताया गया है उसमें गलतियां नहीं करनी है तथा उसमें सावधानी रखनी है तथा क्रोध नहीं रखना है। तो इसके परिणाम स्वरूप इसलिए हमें राशि का जो ज्योतिष फल है इस माह हमने आपको बताया है।
आप इसके अलावा भगवान शिव की आराधना भी कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती भी पढ़ सकते हैं, दुर्गा कवच भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि शक्ति शक्ति रूप में प्रचंड है और शिव रूप में हमेशा कल्याणकारी होती है। आप हर सोमवार को आप शिवलिंग में पानी चढ़ा सकते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर लें। धन्यवाद।